सो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह बना सकते हैं इस तरह के निंजा स्टार्स, वो भी अपने घर पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको काटने पड़ेंगे कुछ पेपर्स। ये 15 से 16 पीसीज है पेपर के, और इसके ये एक पूरा स्क्वायर है। यहाँ से भी ये पूरा 7 सेंटीमीटर है और यहाँ से भी ये पूरा 7 सेंटीमीटर है, मतलब जो चारों साइड्स है वो इक्वल है। तो आपने पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर लेना है। तो इसके मैंने 15 से 16 पीसेस काट लिए हैं। तो सबसे पहले तो हम एक पीस लेंगे और उसके जो दोनों कॉर्नर्स हैं उन दोनों को मिलाएंगे। ठीक है, मिलाने के बाद इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद हमने जो दूसरे जो ये वाले हैं कॉर्नर से, उन दोनों को भी इसी तरह प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आपने पेपर को खोल लेना है और बीच में आपको एक क्रॉस दिख रहा होगा, उस क्रॉस में हमने कुछ इस तरह पेपर को एडजस्ट करना है चारों साइड से। ठीक है, इस तरह हमने एक स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाने के बाद यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिखता है। उसके बाद आपने कोई भी एक कॉर्नर से इसको ऐसे पकड़ लेना है और इसे ऐसे फोल्ड कर देना है पेपर को। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। देखिए, ये ऐसे है पूरा स्क्वायर और हमने कोई भी एक कॉर्नर को पकड़ा और इसे ऐसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखता है और दूसरी साइड से भी हमने बिल्कुल ऐसे ही करना है, इसको ऐसे फोल्ड कर देना है और अच्छे से प्रेस करते जाना है कि ये बिल्कुल शेप में आ जाए। तो दोनों तरफ से करने के बाद ये ऐसे कुछ दिखता है। ठीक है, इन दोनों को करने के बाद आपने इसको देखिए, ये ऐसे है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने इसको उल्टा कर कर इसका जो ये पीस है इसको पीछे कर देना है। ये देखिए, पीछे की साइड करना है। ठीक है, इसे ऐसे पीछे कर देना है। पीछे करने के बाद आपने दो जो ये दो कॉर्नर्स है उसे हमने मिला देना है इस तरह, सॉरी इस तरह नहीं, इस तरह। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये अंदर की साइड है और इसे हमने ऐसे फोल्ड कर देना है। तो ये इस तरह के आपने 15 से 16 पीसेस बनाने हैं पेपर के साथ। तो मैं भी बना लेता हूँ। तो बना लिए मैंने ये पूरे के पूरे पीसेस। तो मैंने 14 पीसेस बनाए हैं। तो अब हमने क्या करना है, दो पीसेस को लेना है और यहाँ पर जो आपको स्पेस दिख रही है ना बीच में, तो जो ये वाली स्ट्रिप्स हैं इसकी, वो इसके अंदर हमने लगानी है। ठीक है, ये देखिए, इस तरह हमने इन दोनों को लॉक कर देना है और बाकी पीसेस को भी इसी तरह लॉक करते जाना है और एक सर्कल बना लेना है। ठीक है, आप जो पेपर था उसका कोई भी साइज़ ले सकते हैं अपने मुताबिक, जैसा आप चाहते हैं। तो मैंने तो 7 सेंटीमीटर लिया था, आप 8 भी ले सकते हैं। इस तरह ये लॉक करते जाना है और ये देखिए आधा बन गया है हमारा। और ये आखिरी पीस
ठीक है। इसके बाद आपने इसको धीरे धीरे से आराम से नीचे रख के कर लीजिए, चाहे टेबल पर। ये लास्ट पीस को जोड़ना है, लास्ट पीस को जोड़ने के बाद बाकी पीस इसको भी धीरे 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 फिक्स करते जाना है। ऐसे ये देखिए एक निकल गया, कोई बात नहीं, ऐसे धीरे धीरे होता जाएगा। ये देखिए ये पूरा स्टार बन गया है। बस आपने अब धीरे धीरे से इन सभी पीसेस को अच्छे से लॉक कर देना है, जिससे ये बाहर ना निकले। ठीक है, तो इस तरह आप बना सकते हैं एक निंजा स्टार। ये बिल्कुल निंजा हथौड़ी के कोगा निंजा स्टार जैसा लग रहा है, जो हमारा चलाता था। तो ऐसे आप बना सकते हैं। और